जिस तरह से कोविड निकल चुका है और मथुरा में तीर्थयात्रियों का लगातार आना शुरू हो गया है, तो पहले जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट हुआ करते थे और आज जो आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, कितना इजाफा हुआ है उनमें? मथुरा से इन दिनों कोविड केसेस बहुत कम निकल रहे हैं, लेकिन मंदिरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेरा आम जनमानस से अनुरोध है कि भीड़ न लगाएं। कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी जारी है, और पहले भी इस भीड़ की वजह से कोविड की द्वितीय लहर आई थी और अभी भी कोविड की तृतीय लहर आने की प्रबल संभावना है, और मंदिरों की बढ़ती भीड़ चिंता का विषय है। पूरी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी सीमाओं पर जो जैसा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बाहर से आने वाले लोग कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आए या वैक्सीनेशन करवा के आए, तो मेरा सभी से अपील है कि उत्तर प्रदेश में आने से पहले ख़ास तौर से हमारे मथुरा जनपद के लिए जो श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन करने आते हैं वो अपना कोविड टेस्ट करा के आएँ, जिससे कि यहाँ पर भीड़ की जो लगती है, जो श्रद्धालु में इकट्ठे हो जाते हैं और धर्मशालाओं वगैरह में रहते हैं, यहाँ धर्म नगरी होने के नाते कोविड का प्रसार ना हो पाए, और कोविड रिपोर्ट करा के आएँ और वैक्सीनेशन करा के आएँ। मैं अगर विभाग की बात करूँ तो विभाग के द्वारा क्या क्या गाइडलाइनें जारी की गई हैं जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं? हमने अपने सैंपलिंग की स्ट्रेटजी अपनी बढ़ा दी है। हमने स्टेशन पर जो डाउन ट्रेन हैं, जो महाराष्ट्र केरला वगैरह से आ रही हैं, उन ट्रेनों में अपनी सैंपलिंग की संख्या बढ़ा दी है, और बराबर हमारी टीमें इस दौरान सैंपलिंग कर रही हैं। और मंदिरों में भी हमने कहा है मंदिरों के स्टाफ में कि जो पुजारी पंडा वगैरह होते हैं, बाहर प्रसाद के दुकानदार होते हैं और धर्मशालाएं, होटल रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें हमारे द्वारा सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, और बराबर इन जगहों पे हम टारगेटेड सैंपलिंग कर रहे हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों की भी की जा रही है, मंदिरों की जा रही है, प्रसाद की दुकानों की जा रही है और रेस्टोरेंट वगैरह की सैंपलिंग।